हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बी एस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की पोएम द बेंगल सेलर्स रिटर्न बाय सरोजनी नायडू तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी पोयम द बेंगल सेलर्स रिटन बाय सरोजनी नायडू राइट Uh, तो अब इस वीडियो में हम कैसे कवर करेंगे अपने पोएम को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ठीक है एंड देन राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम देन पोइटिक डिवाइसेस या फिर आप कह सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच ठीक है तो सबसे पहले अपना फर्स्ट पैराग्राफ करते हैं बेंगल सेलर्स आर वी हुर आर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर हु विल बाय दिस जेल ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट लास्टर स्टॉक ऑफ रेडियंट लाइव फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी ठीक है तो ये था अपना फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन्स इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है बेंगल सेलर्स बेंगल सेलर्स कौन बेंगल मींस चूड़ियां सेलर्स मीन्स चूड़ियां बेचने वाले बेंगल सेलर्स बेंगल सेलर्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सेल्स बेंगल्स ठीक है चूड़ियां बेचने वालों का एक ग्रुप ठीक है या फिर चूड़ियाँ बेचने वाले कौन होते हैं बेंगल सेलर्स ठीक है बेंगल सेलर्स आर वी हु हुर क्या रखते हैं जो चूड़ियाँ रखते हैं वो कौन होते हैं बेंगल सेलर्स हियर द नरेटर इज सेइंग द बेंगल सेलर्स आर वी हु हुर ठीक है नेक्स्ट लाइन आर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर शाइनिंग मीन्स चमकीले चमकदार ठीक है लॉर्ड्स जैसे हिंदी में होता है ना लोड लोड जिसको कहते हैं वो होता है लोड्स ये वही यहां पे वही, यहाँ वही है वजन किस चीज का वजन बेंगल्स का शाइनिंग बेंगल्स यहां पे आर शाइनिंग बेंगल्स टू द टेम्पल टेम्पल मीन्स मंदिर फेयर मीन्स मेला आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर वो कहाँ लिखे जा रहे हैं कौन बेंगल सेलर्स बेंगल्स को जो चूड़ियां बेचने वाले चूड़िया चूड़ियों को कहाँ लेके जा रहे हैं चमकदार चूड़ियों को कहाँ पे मंदिर के मेले में ठीक है सेलर्स आर कैरिंग द शाइनिंग लोड्स और शाइनिंग बेंगल्स टू द टेम्पल फेयर फर्स्ट टू लाइन्स में ये बताया गया था ठीक है देन बाय दीज डेलीकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे नरेटर वो हमसे क्वेश्चन करता है ठीक है कि इन्हें और कौन खरीदेगा क्वेश्चन क्या करता है हु विल बाय हु विल बाय कौन खरीदेगा किसको दीज डेलीकेट डेलीकेट मीन्स कोमल ठीक है डेलीकेट मीन्स कोमल नाजुक हु विल बाय दीज डेलीकेट ब्राइट ब्राइट तो आपको पता ही चमकदार चमकीली ठीक है हु विल बाय दीज डेलीकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट रेनबो क्या होता है इंद्रधनुष ठीक है उसमें सेवन कलर्स होते हैं ठीक है रेनबो टेंटेड मीन्स कलर्ड या फिर पेंटेड पेंटेड या फिर कलर्ड कुछ भी कह सकते हो ठीक है रेनबो कलर्ड या फिर रेनबो पेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट सर्कल्स क्या है यहाँ पे चूड़िया चूड़िया सर्कल में होती है ना ऐसे मैं इसे सर्कल नहीं बना जैसे क्लियर बट सर्कल में ठीक है जो चूड़िया होती है देखो Who will buy दीज डेलीकेट ब्राइट यहाँ पे नरेटर क्वेश्चन करता है कि जो ये कोमल और चमकीली चूड़ियां हैं रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट जो चमकदार जो चूड़ियां इनको कौन खरीदेगा ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है किससे हमसे रीडर्स से ठीक है जो पढ़ने वाले हैं उनसे नेक्स्ट इज लश्चर टॉकनस ऑफ रेडियंटलाइज लश्चरस क्या चमकदार ठीक है लश्चरस लस लस्चरस को हम इंग्लिश में कह सकते हैं शाइनिंग ठीक है शाइनिंग टोकन्स टोकन्स मीन्स लाइक यू नो टोकन होता है प्रतीक हिंदी में कहूँ तो ठीक है प्रतीक लस्चरस टोकन्स ऑफ रेडियंट रेडियंस मीन्स हैप्पी हैप्पी लाइव्स ये तो जो चूड़ियाँ हैं ये तो प्रतीक है सुखद जीवन की ठीक है कौन कहते हैं ये नरेटर सरोजनी नायडू ये कह सरोजनी नायडू कहती है कि जो ये लश्चरस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स जो ये चूड़ियां हैं ये तो किस चीज का प्रतीक है सुखद जीवन का प्रतीक है ठीक है वो हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स तो इस लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि जो ये चूड़ियां हैं ये किसके लिए हैं दीज बेंगल्स आर फॉर हू ठीक है हु विल वीअर दीज बेंगल्स तो यहां पे है वो हैप्पी डॉटर्स जो हैप्पी डॉटर्स हैं सुखी जो बेटियां हैं और एंड हैप्पी वाइफ्स ठीक है तो इसमें क्या था बेंगल सेलर्स वीर बेंगल है जो चूड़ियाँ रखते हैं ठीक है uh, वो अपने इन बेंगल्स को कहां पे जा रहे हैं? मंदिर में, मेले में लेके जा रहे हैं ठीक है पे। uh, who will buy? कौन खरीदेगा इनको किनको कौन खरीदेगा जो चूड़ियाँ हैं, उनको कौन खरीदेगा दीज डेलीकेट जो चूड़ियाँ की यहाँ पे थोड़ी सी बता रखा है कि कोमल है ब्राइट है रेनबो टेंटेड सर्कल से मतलब रंग बिरंगी हैं इस तरीके से ठीक है अलग अलग कलर्स की हैं ऑफ लाइट लस्चरस टॉकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स वो चमकदार हैं वो प्रतीक हैं किस चीज़ का सुखद जीवन का ठीक है सुखी जीवन का और वो किन के लिए हैं ये जो चूड़ियाँ हैं किन के लिए हैं वो हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स ठीक है तो ये थी हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ये तो हो गई कंप्लीट ठीक है अब बात आती है हमारी राइमिंग स्कीम की तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम हम कैसे देखते हैं तो देखिए अब ना ये पढ़िए जो लाइन होती है ना हमारी हर एक लाइन उसका लास्ट वर्ड देखा जाता है ठीक है राइमिंग स्कीम पहचानने के लिए तो लास्ट वर्ड बेर फेर ब्राइट लाइट लाइव्स और वाइव्स ये है हमारे लास्ट वर्ड्स ठीक है तो इनको पढ़ो क्या साउंड कैसी आती है ठीक है बैर फेयर ब्राइट लाइट लाइव्स वाइव्स तो कुछ मिलता जुलता पता लग रहा है ना कुछ मिलता जुलता से लग रहा है कि बेर फेयर ये दोनों वर्ड थोड़े मिलते जुलते से हैं ठीक है मिलते जुलते इन सेंस मीनिंग में नहीं बोलने में ठीक है सेम सी से साउंड आती है ब्राइट लाइट लाइव्स वाइव्स इस तरीके से ठीक है तो हम है ना इनको अल्फाबेटिकली सिंबलाइज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम ए ए लिख दिया यहाँ पे तो बेर फेयर इसके सेम कहाँ है यहाँ पे है यहाँ पे भी ए का ये सेम लिख दिया फिर आया नेक्स्ट ब्राइट ये तो इससे अलग है ना ब्राइट तो इसको हमने लिख दिया बी अगर यहाँ पे भी फेर की जगह टेयर रेयर कुछ भी होता ना जैसे मान लो रेयर होता तो यहाँ पे आता ए बी ए ए बी ए इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे ब्राइट लाइट बी 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 लाइव्स इससे अलग आ गया लाइट से लाइव्स सी लाइव्स और सी सी तो इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन हो गई हमारी उसके बाद रैमिंग <coughs> पैराग्राफ की अगर आपसे एग्जाम में रैमिंग स्कीम पूछी जाए तो आप क्या बताओगे वो है ए ए बी बी और सी सी ठीक है नोट डाउन कर लीजिए इसको ए ए बी बी सी सी और अगर कोई टीचर आपसे जैसे रीजन पूछ ले कि ए ए बी बी सी सी है क्यों तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि दैट इज जस्ट बिकॉज वेयर फेयर ये दोनों एक साथ मिलते जुलते हैं ब्राइट लाइट लाइव्स वाइव्स ए ए बी बी सी सी ठीक है होप ये क्लियर हो गया होगा एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज पोएट्रिक डिवाइसेस पोइटिक डिवाइसेस को हम फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं ठीक है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार ठीक है तो अलंकार इसमें कैसे पहचानेंगे है? पढ़ते हैं बेंगल सेलर्स आर वी वेर आ शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर यहीं पे देखें सेकंड लाइन में हमें नजर आ गया ये देखिए टेम्पल टी 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 यहाँ पे देखो बार बार एक ही अल्फाबेट एक ही कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन हो रही है तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता था कि एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती थी देर वॉज अ रिपीटेशन ऑफ सिंगल कॉन्सोनेंट ठीक है अगेन एंड अगेन तो यहाँ पे क्या है तो जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था एग्जाम्पल कि क्या पढ़ा था यस hmm, yes, कि चारू चंद्र की चंचल किरण इसमें क्या है च च, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पे क्या था अनुप्रास अलंकार तो उसी तरीके से इंग्लिश में होता है एलिट्रेशन एक सेकेंड यहां लिख देती हूं ठीक है एलिट्रेशन एलिट्रेशन में क्या होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेट साउंड्स ठीक है टी टेम्पल ठीक है तो यहाँ पे एक तो है एलिट्रेशन ये समझ आ गया आगे पढ़ते हैं टू द टेम्पल विल बाय ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट लोकन लोकन ऑफ रेडेंट हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ तो एक तो ये है एलिट्रेशन uh, एक तो यहाँ पे है और कहीं नहीं है अब आगे दोबारा से देखते हैं एक है यहाँ पे इन जैमेंट ये देखिए मैं यहां लिख देती हूं ई एन सॉरी जी आएगा एंजाममेंट ये थोड़ा सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा पता नहीं तो क्या है बट दैट इज वेरी इजी एंजैमेंट में क्या होते हैं कि आ, इसको अगर मैं आपको इसकी मोटी पहचान बताऊं कि इसमें क्या होता है तो वो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जैसे लाइन की हर एक लाइन के लास्ट में अगर कोमा जिस कॉलन कहते हैं जिसको कॉलन सेमी कॉलन फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी और या फिर ये क्वेश्चन मार्क कुछ भी अगर कोई भी साइन है इनके अलावा और भी कई तरीके के जैसे ऐसे भी तो होता है ना दो तीन चार डॉट हो जाती हैं तीन ठीक है ऐसे डॉट्स आ जाती हैं तो अगर कुछ भी है अगर ऐसा कोई साइन है सॉरी नहीं है तो वहां पे क्या है हमारा इंजैमेंट है तो फर्स्ट लाइन में देखिए सेलर्स आर वी हु देखिये लास्ट में है कोई साइन नो no. तो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे यहाँ पे तो है इवन यहाँ पे तो तीन थे ये वो इरेज हो गया ठीक है यहाँ पे है तो फर्स्ट लाइन में नहीं है तो यहाँ पे है इंजैमेंट इसके साथ साथ एक और बात होती है वो बताऊंगे अभी फेयर यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो दो लाइन में हमारे यहाँ पे क्या है इंजेबमेंट और केवल इन साइंस से नहीं एक तो ये हो गए और इसके साथ साथ हमें एक बात और पता चलती है बेंगल सेलर्स आर वी हुर आर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर इस लाइन का जो मीनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट ना के इस लाइन में आगे कन्वे हो रहा है जैसे बेंगल सेलर्स कौन है जो कि चूड़ियाँ रखते हैं और वो कहाँ लेके जा रहे हैं अपनी चूड़ियों को टेंपल फेयर ठीक है हु विल बाय दीज डेलीकेट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट ब्राइट रेनबो टेंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट या इस लाइन का मतलब यहाँ पे कंप्लीट ना होके अगले वाली लाइन में आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे है इन चैम्पमेंट जहाँ जहाँ पे एक लाइन वही का मीनिंग कंप्लीट मीनिंग वहाँ पे कंप्लीट ना हो के नेक्स्ट लाइन में आके कंप्लीट होता है वहाँ पे होता है इंजाम्बमेंट ठीक है तो आपके इस आ, आ, क्या कहते हैं पैराग्राफ में केवल दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या फिर पोइटिक डिवाइस के ये वो है एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार और इंजाम्बमेंट जहाँ पे ये आप सिंबल्स देख सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए ठीक है तो ये था अपना फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा इसकी रैमिंग स्कीम की रैमिंग स्कीम क्या है ए ए बी बी सी सी ठीक है और पोइटिक डिवाइसेस दो हैं एलिट्रेशन और इंजाममेंट ठीक है एलिट्रेशन मोस्ट ऑफ में मिलता ही है ये बहुत इजी है आपको चार, जैसे छाटना ढूंढना टी 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 कहीं पे भी ऐसा रिपीटेशन दिख जाए वहाँ पे लिख दो एलिट्रेशन और इंजाममेंट को भी आप बहुत आसानी से छाट सकते हो ढूंढ सकते हो कहीं पे अगर साइन नहीं दिखा यहाँ पे नहीं दिखा और थोड़ा सा एक बार पढ़ के भी देख लेना कि यहाँ इस लाइन का मीनिंग आगे कन्वे हो रहा है ठीक है इस तरीके से राइट सो ले लीजिए स्क्रीन ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लेना साथ साथ जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच हुए और टाइमिंग स्कीम हुई ठीक है डन और ये क्लियर हो गया होगा एंड देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट दैन फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन हम उससे अभी कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ, वो है सम आर मेट फॉर मेट एंडस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज अ माउंटेन मिस्ट सम आर ब्लस्ट लाइक द बर्ड्स द ड्रीम ऑन द ट्रेंक्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीन सम आर इट ग्लो विद ब्लूम द्लीव्स To the limpid glory of newborn leaves. अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से सम आर मीट फॉर मेडेंस फ्रेस्ट यहाँ पे मीट मीन्स यहां पर मीनिंग है मेड एम ए डी मेड समेड फॉर मेडेंस मेड इन कौन होते हैं अनमेरिड गर्ल ठीक है रिस्ट मीन्स कलाई ठीक है कुछ चूड़ियाँ अब यहाँ पे पिछले वाले अपना जो पैराग्राफ था उसमें अपने ऑथर ने क्या बताया कि जो बेंगल सेलर्स से हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं टेंपल फेयर में जा रहे हैं ठीक है इस तरीके से उन्होंने बताया और अब इसमें क्या है उन्होंने बताया था कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये किन के लिए बनी है फोर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स ठीक है तो अब उसमें भी हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स में भी इन्होंने बता रखा है कि आ, किस तरीके की चूड़ियां गर्ल्स के लिए हैं किस किस तरीके चूड़ियां लाइक like लेडीज के लिए ठीक है इस तरीके से सम आर आर मेड फॉर अनमैरिड गर्ल्स रिस्ट कलाई ठीक कलाई होती है रिस्ट होते ही कलाई आ, कुछ चूड़ियां तो किसके लिए बनी है अनमेरिड गर्ल्स के लिए जो अविवाहित जो लड़कियां हैं उनके लिए सम आर मेड सम बेंगल्स आर मेड फॉर अनमेरिड गर्ल्स ठीक है सिल्वर एंड ब्लू एज अ माउंटेन मिस्ट सिल्वर और ब्लू कलर की सिल्वर कलर की और ब्लू कलर की एज द माउंटेन माउंटेन क्या होता है पहाड़ी ठीक है मिस्ट मीन्स धुंध ठीक है सिल्वर एंड ब्लू एज माउंटेन मिस्ट उनका कलर कैसा है सिल्वर एंड ब्लू किस जैसा जो चूड़ियों का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे चूड़ियों के कलर का एज यूज करके ठीक है इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ठीक है सिल्वर एंड ब्लू एज अ माउंटेन मिस्ट वो चूड़ियाँ कैसे कलर की सिल्वर uh, कलर की और ब्लू कलर की वो कैसे लग रही है जैसे uh, जो चोट पहाड़ होता है uh, ऐसे कर तो ये पहाड़ है तो फिर उस पर धुंध है ठीक है ब्लू और वाइट कलर है ऐसा नजर आ रहा है ठीक है सम आर लाइक द बर्ड्स द ड्रीम ऑन द ट्रेंकुल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम सम आर ब्लश करना जब हम ब्लश करते हैं तो रेड हो जाता है ठीक है तो रेड कलर आता है सम आर ब्लश्ड लाइक द बर्ड्स बर्ड्स क्या होती है फूल की कलियां ठीक है uh, और बर्ड्स होती है फूल की कलियां दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल मींस साइलेंस साइलेंस सम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो मींस बैंक बैंक भाई अपना स्टेट बैंक आर बी आई बैंक इस तरीके वाला बैंक नहीं यहाँ पे है बैंक मीन्स किनारा ठीक है नदी के किनारे को हम कहते हैं इंग्लिश में बैंक ऑन द ट्रैंक्ल बैंक ऑन द साइलेंट ऑन द साइलेंट साइलेंस नहीं आएगा यहाँ पर साइलेंट आएगा एल आई एन टी हाँ साइलेंट ऑन दें ब्रो ऑफ वुडलैंड वुडलैंड मीन्स फॉरेस्ट स्ट्रीम मीनस रिवर ठीक है सम आर ब्लस्ड लाइक द बर्ड्स द ड्रीम ऑन ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम कुछ चूड़ियाँ लाल रंग की हैं, उसका उस लाल रंग का कंपेरिजन किससे किया गया है वो फूल का, उन फूल की कलियों से जो कहाँ उगी हुई है जो क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं जंगल हाँ जंगल के जंगल से एक नदी पार हो रही है उस नदी के किनारे शांति में बिल्कुल Uh, क्या है कुछ फूल लगे हुए हैं और जो उनकी कलियां हैं लाल रंग की उससे उनका कंपैरिजन किया गया है कि उन जो चूड़ियाँ हैं उनका कलर ऐसा है रेड ठीक है सम आर ग्लू विद ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू मून लीव्स और कुछ कुछ इतनी क्लियर हैं बिल्कुल क्लियर हैं सम आर वेरी क्लियर सम आर ग्लू विद ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिंपिड लिंपिड मीन्स क्लियर टू द limpid glory ऑफ न्यू बोर्न लीव्स न्यू जो नए नए पत्ते आते हैं वो कैसे कलर के होते हैं लाइट पिंक एंड लाइट ग्रीन यही होता है मेनली कलर तो फिर लाइट ग्रीन कलर तो इसमें हमारे में इस पैराग्राफ में क्या बताया ऑथर ने क्या बताया नरेटर ने कि uh, जो चूड़ियाँ हैं वो किसके लिए बनी है कुछ चूड़ियाँ सभी नहीं कुछ चूड़ियाँ किसके लिए बनी फॉर अनमेरिड गर्ल्स रेस्ट ठीक है तो उनमें क्या क्या वो कलर बताए सिल्वर एंड ब्लू एंड और कुछ चूड़ियाँ जैसे आगे भी बताएंगे लेडीज के लिए आ, कुछ बनी है गर्ल्स के लिए एंड वो सिल्वर एंड ब्लू कलर आगे था रेड कलर यहाँ पे रेड कलर बताया गया है ठीक है एंड सम आर लाइक द कलर ऑफ न्यू बोर्न लीवस न्यू बोर्न लीव्स का कलर कैसा होता है नए पत्तों का कलर कैसा होता है आ, पिंक एंड ग्रीन ठीक है वो कलर होता है तो यहां पे बताया कुछ कलर्स के बारे में हमारे इस पैराग्राफ में ठीक है तो ये था हमारा पैराग्राफ इसमें हमने एक्सप्लेन तो कर लिया हमने इसका मतलब तो समझ लिया अब बात आती है राइमिंग स्कीम की तो राइमिंग स्कीम हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने पिछले वाले पैराग्राफ में देखी थी वो उसमें कैसे देखी थी लास्ट वाला वर्ड यस लास्ट वाला वर्ड देखो हर एक लाइन का ड्रीम स्ट्रीम क्लीवस लीव्स देखो पढ़ के देखो अपने आप पढ़ के देखना ठीक है रिस्ट मिस्ट ड्रीम स्ट्रीम क्लीव्स लीव्स तो यहाँ पे पता ही क्या हो सकती है फिगर ऑफ स्पीच सॉरी राइमिंग स्कीम किससे जैसे जुड़ रहा है ये रिस्ट मिस्ट ड्रीम स्ट्रीम रिस्ट और स्ट्रीम तो नहीं जुड़ रहा मिस्ट और लीव्स तो नहीं जुड़ रहा ऐसे उल्टा सीधा नहीं जुड़ रहा ना ठीक है सेम सी से साउंड आती है रिस्ट मिस्ट ड्रीम स्ट्रीम क्लीव्स लीव्स तो यहाँ पे वही ए ए फिर ड्रीम स्ट्रीम बी बी क्लीव्स लीव्स सी और सी तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या हुई ए ए बी बी और सी सी ठीक है ये हो गई हमारी इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम पिछले वाले की भी यही थी ठीक है तो ये नहीं है कि भाई हर एक की अलग अलग होगी सेम भी हो सकती है अलग अलग भी हो सकती है। वो हमें देख के पता चलता है ठीक है बहुत आसान है देखते ही पता चल जाएगा रिस्ट मिस्ट ड्रीम स्ट्रीम लिव्स लीव्स। ठीक है अब हमारा भाई सेकंड काम भी हो गया पहले था एक्सप्लेनेशन सेकंड था राइमिंग स्कीम अब थर्ड में बात आती है पोलिटिक डिवाइस की तो पढ़ते हैं सम आर मीट फॉर अ मेड एंड रिस्ट सिल्यू एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट तो सबसे पहले मैंने आज जैसा कि आपको पिछले वाले पैराग्राफ में बताया था कि एलिट्रेशन आपको मोस्ट ऑफ में मिल ही जाएगा ठीक है तो सबसे पहला स्टेप जब हम फिगर ऑफी फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं तो सबसे पहले एलिट्रेशन को ढूंढ लो ठीक है अगर वो है तो लिख दो ठीक है तो यहाँ पे कहाँ पे था ये रहा एम माउंटेन मिस्ट एम एम मिल गया ना बहुत आसान है

देखते हैं हाँ देखो मैंने आपको ये बताया था कि एज का मैं आपको बाद में बताऊंगी तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ एज एक होता है गाइस फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस सिमिली स्माइली नहीं कहेंगे इसको सिमिली स्माइल अलग होता है ये है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच सिमिली में क्या होता है सॉरी <coughs> <coughs> दो वर्ड्स का यूज किया जाता है एज और लाइक like. लाइक और एज का अगर हमें कहीं पे जैसे यूज हो कहीं किसी भी लाइन में और वहां पे क्या किया, Comparison. Comparison किया जाता है कंपैरिजन कंपैरिजन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू वर्ड्स लाइक और एज किसी भी एक चीज का की तुलना तो दूसरी चीज के साथ की जाती है जैसे यहाँ पे क्या किया गया सिल्वर एंड सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट इस कलर को सिल्वर एंड ब्लू उनको चूड़ियों को किसके साथ कंपेयर किया गया है माउंटेन मिस्ट के साथ जो पहाड़ है और उनकी धुंध है उनके साथ इसका कंपैरिजन किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड एज ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली पोएटिक डिवाइस है सिमिली सम आर ब्लस्ड लाइक यहाँ पे लाइक like आ गया सम्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम कुछ कैसी हैं उन फूल की कलियों जैसी हैं ठीक है रेड इन कलर लाइक तो लाइक like का भी यूज हो रहा है एस का भी तो फिर यहां पर कौन सा स्पीच है हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली पोइटिक डिवाइस है है? ठीक आगे देखते हैं प्रो स्ट्रीम, सम, आगे देखिए, आपको नजर आ रहा है यहां पे? ये यह नहीं है अब <coughs> एक था इन जैमेंट वही जो पिछले वाले में बताया था यस yes. क्या बताई थी मैंने इसकी वो पहचान कॉलिन सेमी कॉलिन फुल स्टॉप एक्सक्लमेटरी क्वेश्चन मार्क या फिर और भी बहुत से होते हैं कुछ भी कोई भी साइन हो कोई भी चिन्ह हो लास्ट में सॉरी नहीं हो अगर हो तो वहाँ पे नहीं है और अगर नहीं है हो तो वहाँ पे ये है ठीक है uh, और उसका मीनिंग उस लाइन का मीनिंग वहां पे कंप्लीट ना हो के आगे कन्वे हो रहे है आगे जैसे चल रहा है तो यहाँ पे क्या है सम आर मीट फॉर मेड एंड यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है देखो साइन नहीं है यहाँ पे तो इस पढ़ लेते हैं सम आर ब्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द बर्ड्सिल इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है अगले वाली लाइन में जैसे चल रही है कंटिन्यूअसली ठीक है सम आर ब्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम ठीक है तो यहाँ पे इंटैपमेंट भी है सम आर ग्लो था ना, ना? वहाँ पे नहीं है सम साइन नहीं है वहाँ पे सम आर ग्लो विद ब्लूम दैट लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बोर्न लीव्स इस लाइन का भी मीनिंग आगे कन्वे हो रहा है और यहाँ पे भी कोई भी साइन नहीं है ठीक है तो यहाँ पे भी है एंजॉयमेंट इंजॉयमेंट कहाँ कहाँ हुआ इस लाइन में हुआ और आ, कहा था इस लाइन में, में हुआ इन दो लाइन में एंजॉयमेंट इन दो में क्या कहते हैं सिमिली और यहाँ पे एलिट्रेशन इसमें तीन हमारे पोएटिक डिवाइस मिले हमें ठीक है सो दैट ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ हमेंग्राफ लेक्रीन शॉर्ट डन सो गाइज इस वीडियो में हमने क्या किया ये दो पैराग्राफ कवर किए किस पोएम के द बेंगल सेलर्स ठीक है इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर राइट एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ ही लेना एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू